Major Kalshi classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. Ab online padhega, tabhi to 4G banega India. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Jai Hind dosto, main Divyanshu Pandey. आज आप सभी का स्वागत मेजर कल्शी क्लासेस के इस करंट अफेयर के एपिसोड 4th में करता हूं, जहां पर हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे और हम जानेंगे यूपीएससी और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर के क्वेश्चन का लेवल एक स्टैंडर्ड और एक मॉडरेट रहता है। स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चन आपके टफ पूछे जाते हैं और मॉडरेट में मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम दोनों प्रॉस्पेक्ट को कवर करेंगे और आपको बता देना चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में हमारे मेजर कल्शी क्लासेस के ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन और उसके सामने एक मैप दिया गया है, जहां पर आपको लोकेशन बतानी है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन ए में दिया है श्रीशैलम, ऑप्शन बी सरदार सरोवर डैम, ऑप्शन सी नागार्जुन सागर डैम एंड ऑप्शन डी तीस्ता डैम। इसके नीचे कूट दिए गए हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो आपको ये बताना है कि इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की लोकेशन इस मैप में कहाँ है। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। दोस्तों, श्रीशैलम आपके आंध्र प्रदेश में है, सरदार सरोवर डैम नवगाम गुजरात में, नागार्जुन सागर डैम आंध्र प्रदेश और तीस्ता डैम आपके सिक्किम राज्य में अवस्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको वॉरहेड और उनके टाइप्स दिए गए हैं, जो कि बताना है आपको कौन सा हथियार किस टाइप के हैं। पहला है अग्नि 3, उसके सामने शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरा सागरिका, उसके सामने इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तीसरा पृथ्वी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। और चौथा ब्रह्मोस, उसके सामने आपको क्रूज मिसाइल का ऑप्शन दिया है। और आपके जो नीचे कोड हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इसका जान लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों, अग्नि 3 आपका एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि IRBM है। दूसरा सागरिका, जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। तीसरा पृथ्वी, पृथ्वी एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे हम SRBM कहते हैं। और चौथा ब्रह्मोस, जो कि एक क्रूज मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चापचर कूट किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक लोकप्रिय त्यौहार है। चापचर कूट इज अ पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट और यूटी। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मिजोरम एंड ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। दोस्तों, चापचर कूट एक लोकप्रिय और मिजोरम राज्य में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और यहाँ के लोग पारंपरिक बांस नृत्य, चेरव सहित नृत्य और संगीत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या है। दिस ईयर व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे। ऑप्शन ए विमेन इन साइंस, ऑप्शन बी 21st century इन एन एरा ऑफ साइंस, ऑप्शन सी स्किल्ड एंड डिजिटल इंडिया एंड ऑप्शन डी साइंस मेक द लाइफ ग्रेट। तो आपको बताना है वर्ष 2020 में जो नेशनल साइंस डे आयोजित किया गया था उसकी थीम क्या रखी गई थी। तो जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विमेन इन साइंस। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को भारत सरकार के द्वारा सर सीवी रमन के द्वारा खोजे गए रमन प्रभाव की खोज यानी कि रमन इफेक्ट के लिए प्रत्येक वर्ष इसी दिन को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम विमेन इन साइंस रखी गई थी सर सीवी रमन को उनके रमन इफेक्ट के लिए, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, 26 फरवरी 2020 को पारंपरिक चिकित्सा पर अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था, यह कहाँ मनाया गया।
ऑन फरवरी 26, 2020 द लार्जेस्ट एवर कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन वॉज हेल्ड एट ऑप्शन ए टोक्यो जापान, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली भारत, ऑप्शन सी ताशकंद उज्बेकिस्तान एंड ऑप्शन डी दोहा कतर। तो आपको बताना है ये आयोजन कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी न्यू दिल्ली भारत। दोस्तों 26 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 16 देशों ने भाग लिया। ये देश हैं सर्बिया, श्रीलंका, कुराकाओ, मॉरिशस, ईरान, जापान, कतर, उज्बेकिस्तान, भूटान, स्विट्जरलैंड, म्यांमार, क्यूबा, घाना, जमैका, इक्वेटोरियल गिनी और भारत। और यह कॉन्फ्रेंस भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा की गई थी। जान लेते हैं आयुष का फुल फॉर्म क्या है, ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, इंद्रधनुष सैन्य अभ्यास 2020 भारत ब्रिटेन संयुक्त वायुसेना अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया था। इंद्रधनुष एक्सरसाइज 2020 विच इज अ इंडिया यूके ज्वाइंट एयर फोर्स एक्सरसाइज हेल्ड एट वेयर, ऑप्शन ए पुणे महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झांसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश एंड ऑप्शन डी गांधीनगर गुजरात। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। दोस्तों हिंडन वायुसेना एयरबेस जो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान है, यह एक्सरसाइज इस कमांड के तहत संचालित किया गया था। यह हिंडन एयरबेस दुनिया का 8वां सबसे बड़ा हवाई अड्डा है और एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इस एक्सरसाइज में भारतीय वायुसेना के 42 गरुड़ कमांडो ने हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 7, फरवरी 2020 में भारत ने किस जानवर को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। ऑन फरवरी 2020 भारत डिक्लेयर्ड विच एनिमल एज नेशनल हेरिटेज एनिमल, ऑप्शन ए द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ऑप्शन बी इंडियन एलिफेंट, ऑप्शन सी द बंगाल फ्लोरिकन एंड ऑप्शन डी लॉयन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी इंडियन एलिफेंट। दोस्तों भारत ने इंडियन एलिफेंट को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची पहले के तहत पशु को अधिकतम कानूनी संरक्षण प्रदान करता है और एशियाई हाथियों को भारत देश में इंडियन एलिफेंट कहा जाता है। इसके साथ ही साथ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बंगाल फ्लोरिकन को IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के तहत सूचीबद्ध किया गया है। दोस्तों करंट अफेयर के साथ ही साथ दूसरे अन्य सब्जेक्ट्स की आपके एग्जाम में बहुत अहम भूमिका होती है और उनका सही अध्ययन करने के लिए आपको एक अच्छी टीचिंग फैकल्टी और उनका गाइडेंस चाहिए रहता है। तो इसलिए मेजर कसी क्लासेस ने आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट के लिए MKC लर्निंग ऐप शुरू किया है जहां पर आप एक बेहतरीन टीचिंग फैकल्टी के माध्यम से अपने सपनों को नया आयाम देकर अपना भविष्य भारतीय सेना में बना सकते हैं। तो फटाफट जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड करिए MKC लर्निंग ऐप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, यह किस मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इट वर्क एज एन एडवाइजरी बॉडी टू विच मिनिस्ट्री, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो आपको बताना है जो भारत सरकार ने अभी 22वें विधि आयोग का गठन किया है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कानून और न्याय मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। दोस्तों केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी गई है और यह एक गैर संवैधानिक निकाय है जिसका गठन समय समय पर भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। यह पहली बार वर्ष 1955 में गठित किया गया था, तब से प्रत्येक वर्ष 3 साल के लिए इसको पुनर्गठित किया जाता है और इस आयोग ने अब तक भारत सरकार को 277 रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
क्वेश्चन नंबर 9th, भारत सरकार ने रक्षा और विश्लेषण संस्थान का नाम बदल दिया है, अब इसका नाम क्या रखा गया है? द गवर्नमेंट ऑफ भारत हैज रीनेम द इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस IDSA, नाउ इट्स नेम इज ऑप्शन ए डिफेंस वॉरफेयर एंड स्ट्रेटेजी कॉलेज, ऑप्शन बी डिफेंस रिसर्च एंड एनालिटिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन सी मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड ऑप्शन डी डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर वॉरफेयर स्टडीज। तो आपको बताना है इस इंस्टीट्यूट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज। दोस्तों, मनोहर परिकर जो भारत सरकार में वर्ष 2014 से वर्ष 2017 तक रक्षा मंत्री थे, उन्होंने उनके नाम पर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस एंड एनालिसिस का नाम बदलकर अब मनोहर परिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज कर दिया गया है। और मनोहर परिकर का सबसे बड़ा योगदान सशस्त्र बलों के लिए वन रैंक वन पेंशन योजना का आयोजन करना था, और इन्हीं के कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक 2017 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10th, किस शहर ने बायो एशिया समिट 2020 की मेजबानी की? विच सिटी होस्टेड द बायो एशिया समिट 2020? ऑप्शन ए बर्लिन, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी हैदराबाद एंड ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, वर्ष 2020 की बायो एशिया समिट को हैदराबाद में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11th, मिलन एक्सरसाइज 2020 का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ मिलन एक्सरसाइज 2020? ऑप्शन ए सीनर्जी अक्रॉस द सीज, ऑप्शन बी प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑफ सी एंड ऑप्शन डी ब्रॉड स्वॉर्ड। दोस्तों, यह आपके युद्ध अभ्यास से संबंधित है, और यह मिलन एक्सरसाइज भारत की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है जिसमें विश्व के 42 देश भाग लेते हैं। तो जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सीनर्जी अक्रॉस द सीज। मिलन एक्सरसाइज प्रत्येक वर्ष 1995 से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित की जाती है, जिसमें इस वर्ष यानी कि 2020 में US और रशिया सहित 42 देश सम्मिलित थे, और इस वर्ष की थीम सीनर्जी अक्रॉस द सीज रखी गई। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12th, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 के रूप में नामित किया गया है? विच इंडियन हॉकी प्लेयर नेम्ड एज प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 बाय द इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन? ऑप्शन ए सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन बी कृष्ण पाठक, ऑप्शन सी मनप्रीत सिंह एंड ऑप्शन डी हरमनप्रीत सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों, 13 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने भारतीय हॉकी कप्तान मनप्रीत सिंह को प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया है, और यह सम्मान पाने वाले मनप्रीत सिंह भारत के पहले हॉकी खिलाड़ी हैं। जान लेते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन क्या करती है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इंडोर फील्ड हॉकी और फील्ड हॉकी का शासी निकाय है, जिसका मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। तो बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की ओर। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इस साल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोर्टल और स्कीम लॉन्च की, उसका नाम क्या है? एवरी ईयर ऑन 24 अप्रैल नेशनल पंचायती डे इज ऑब्जर्व। ऑन दिस डे PM नरेंद्र मोदी लॉन्च अ पोर्टल एंड अ स्कीम, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट? ऑप्शन ए ई ग्राम कौशल ऐप एंड सहोदर स्कीम, ऑप्शन बी ई विलेज पंचायत ऐप एंड आत्मनिर्भर स्कीम, ऑप्शन सी ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन एंड स्वामित्व स्कीम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पहली बार 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया था, और उस वर्ष से हर साल पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस की संध्या पर PM मोदी ने ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया,
इसके अलावा उन्होंने भूमि को एकीकृत करने और भूमि विवाद को कम करने के लिए स्वामित्व योजना शुरू की। यह योजना 6 राज्यों में शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 24 अप्रैल को लागू हुआ और 2010 24 अप्रैल से प्रत्येक वर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा देश द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन अर्थात बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन? इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत एंड ऑप्शन डी इंडोनेशिया। आपको बताना है ये जो बिम्स्टेक समूह है इसमें से दिए गए जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा देश इसका समूह सदस्य नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों, द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एक रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 मेंबर्स देश शामिल हैं और इनमें से 5 साउथ एशिया से आते हैं जो कि बंगाल, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका हैं, और 2 साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं जो कि म्यांमार और थाईलैंड हैं। और बिम्स्टेक का मुख्य उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास के लिए सक्षम वातावरण बनाना है और सामाजिक प्रगति में तेजी लाना और क्षेत्रों में आम हित के मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 15, यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है? व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ भारत इन यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट ऑफ 2019? ऑप्शन ए 77, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 140 एंड ऑप्शन डी 106। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 77। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा यह लिस्ट जारी की जाती है और वर्ष 2019 में फिनलैंड टॉप पर रहा, भारत के स्थान 140 था और टॉप बॉटम में साउथ सूडान 156वें रैंक के साथ रहा। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर आपको मिलान करना है कि कौन सा बायोस्फीयर्स किस लोकेशन पर है। पहला है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर, दूसरा नौकरेक बायोस्फीयर, तीसरा पंचमढ़ी और चौथा सिम्पलीपाल। अपना वीडियो पॉज कर लीजिए और अपना सही आंसर जो कूट में दिया गया है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, नीलगिरी बायोस्फीयर आपके तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है, नौकरेक मेघालय में, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व आपके मध्य प्रदेश और सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व आपके उड़ीसा में अवस्थित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के विदेश सचिव कौन हैं? हु इज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ भारत? ऑप्शन ए एस जयशंकर, ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला, ऑप्शन सी विजय गोखले एंड ऑप्शन डी लव अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हर्षवर्धन श्रृंगला। दोस्तों, भारत की सरकार ने हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत के विदेश सचिव के रूप में रखा है और इन्होंने विजय गोखले का पदभार संभाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जो कि आपका डैम और रिवर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? यहाँ पर आपको डैम और रिवर दिए गए हैं जहाँ पर आपको बताना है कौन सा डैम किस नदी पर स्थित है। पहला नागार्जुन, दूसरा हीराकुंड, तीसरा सरदार सरोवर और चौथा श्रीशैलम है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत मैच है। तो जान लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी श्रीशैलम। दोस्तों, नागार्जुन आपके कृष्णा रिवर पे है, हीराकुंड महानदी पर, सरदार सरोवर डैम नर्मदा पर, लेकिन श्रीशैलम आपका कृष्णा नदी पर है जो कि आंध्र प्रदेश में आता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित का मिलान करें, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको दर्रे और राज्य दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा दर्रा भारत के किस राज्य पर अवस्थित है और उसके नीचे आपको कोड दिए गए हैं। अपना आंसर गेस करके आप बताइए कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। दोस्तों, जोजिला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है, नाथुला सिक्किम में, बारालाचा जम्मू कश्मीर में और बोमडीला आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।
तो बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसकॉम? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी गुरुग्राम एंड ऑप्शन डी मुंबई। तो जानते हैं इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी। दोस्तों, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया भारत के शीर्ष व्यापार संघों में से एक है। यह संगठन भारत में व्यापार और वाणिज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इस संगठन का लक्ष्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोनों को बढ़ावा देना और भारत के व्यापार और उद्योग की वृद्धि के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देते हुए व्यापारिक बाधाओं को कम करना है। तो दोस्तों, ये थे आपके इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस, जिसका आप PDF हमारे ब्लॉग पेज पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। और इंतजार करिए हमारे अगले एपिसोड 5th के लिए, जो कि जल्द ही आने वाला है। तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मेजर कल्ची क्लासेस ऑनलाइन कोर्सेज फॉर ऑल डिफेंस एग्जाम्स, रिकॉर्डेड लेक्चर, ई नोट्स, डेली लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट, अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। डाउनलोड द MKC लर्निंग ऐप एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।